वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन जो है ना टू स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड करनी है, जिसमें वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना वो यूज़ करते हैं। वो हमारे पास होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब वाई जो है वैसे आगे एम जो है स्लोप होती है, स्लोप क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव 2/5, और एक्स एज इट आ गया प्लस सी हमारे पास क्या है वाई इंटरसेप्ट सी को शो करता है वो 5/2 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, आप 5 और 2 का एलसीएम लो तो 10 आता है। आप ये भी कर सकते हो जो एलसीएम लेके काम करना है, ठीक है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, या इनका एलसीएम लो डायरेक्टली 10 आता है तो हर टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। दोनों कंडीशन में एक ही आंसर आएगा, तो हम बेटर ये 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हर टर्म को। इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट जो है मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, इधर ये टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई हम राइट कर देते हैं। यहाँ पर 10y से मल्टीप्लाई होगा तो 10y आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 10 जो है ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। 5 1 टाइम 5 5 कितने टाइम 10 होता है 2 टाइम, और यहाँ पर 2 1 टाइम 2 2 कितने टाइम 10 होता है 5 टाइम। तो अब हम इसको कर देते हैं, 2 × 2 क्या आ गया 4 आ गया, 7x आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस 5 5 × 5 25 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि जिसमें हमारे पास 1 पॉइंट गिवन होता है और स्लोप गिवन होती है, या जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो सब पे आप चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।